गुड मॉर्निंग टीचर आरती पाल टूडेटी इंग्लिश मैरी गोल्ड सिक्स पार्ट टू द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टिव बार्बर बार्बर मीन्स नाई बेटा आज हम एक बातूनी नाई के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं स्टोरी इन इन द सिटी ऑफ काशगढ़ लिव अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर एक काशगर नाम का एक शहर था जिसमें एक नाई रहता था वह बहुत बातूनी था वंस द सुल्तान कॉल द बारबर टू शेव हिज़ हेड एक बार सुल्तान ने वहाँ के सुल्तान ने उस नाई को अपना सर मुंडवाने के लिए अपना सर शेव कराने के लिए अपने यहाँ बुलाया द बारबर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इन स्टीड ऑफ शेविंग अब जो वो बार्बर था वो सुल्तान का सर शेव करने के बजाय नॉन स्टॉप बातें करता रहा लगातार बातें करता था करता रहा द सुल्तान गॉट एंग्री अब वो सुल्तान इससे नाराज़ हो गया वेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क अब सुल्तान ने गुस्सा होकर कहा कि तुम अपनी ये बातें बंद बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे बाबर replied. बारबर ने रिप्लाई किया जवाब दिया यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर आपने मुझे चैटरर मींस होता है बेटा बातूनी तो बारबर बोला कि आपने मुझे चैटरर करके मुझे बहुत दुख पहुंचाया है बेटा वैसे तो इंजरी मींस चोट होती है लेकिन यहाँ पर वो कोई मतलब चोट थोड़ी ना पहुँचा रहा है मतलब मार थोड़ी नहीं आ रहा है सिर्फ उसने उसको कहा कि तुम बातें करना कब बंद करोगे अपना काम करो तो वो बारबर बोला कि आपने मुझे चैटरर बातूनी कहकर ने बहुत दुख पहुंचाया फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट जबकि आपने मुझे बातों नहीं कहकर मुझे बहुत दुख पहुंचाया लेकिन बाकी सब जो हैं वो मुझे बहुत शांत बोलते हैं कि मैं बहुत शांत हूं आई हैव सिक्स ब्रदर्स मेरे छः भाई हैं हूम यू माइट कॉल चैटर आप उनको बातों नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं तो बहुत शांत हूँ देयर नेम्स आर अब जो वो बारबर था वो बारबर सुल्तान को अपने भाइयों के नाम गिनाने लगा क्या क्या नाम है उनके उनके नाम हैं बकबून इसके बाद है बकबूरिया इसके बाद बकबक अलकाउज़ उलनाजी एंड शकबक तो उसने अपने छह भाइयों के नाम बता दिए वन इज़ हम्प बैग्ड बेटा हम्प बैग जानते हो हम्प बैग मीन्स होता है कुबड़ा जिनकी पीठ निकली हुई होती है और फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ आपने बेटा रामायण देखी है तो रामायण में जो वो मंथरा थी उनकी वो हमेशा झुकी हुई रहती थी और उनकी पीठ में एक ऊपर सा वो निकला होता था ठीक है निकला था अगर आपको याद आया तो ठीक है नहीं तो आप दोबारा देख लेना तो हम्प बैक मींस होता है जिसकी पीठ पर वो कुबड़ निकला हो तो उसने कहा कि उनमें से मेरा एक भाई जो है वो कुबड़ा है वन इज़ टूथलेस एक भाई है जिसका दांत दांत टूटा हुआ है वन इज़ हाफ ब्लाइंड एक है जिसकी एक आँख नहीं है वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड एक है जो थोड़ा सा अंधा है वन इज़ डेफ डेफ मीन्स बहरा एक है जो थोड़ा सा एक है जो बहरा है एंड द अदर्स हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच और एक और भाई है जिसको बोलने में थोड़ा सा डिफेक्ट है थोड़ी सी होता है ना बेटा बोलने में डिफेक्ट कैसे हो सकता है तोतला हो सकता है या फिर कुछ और भी डिफेक्ट्स होंगे तो एक है जिसको बोलने में कुछ डिफेक्ट है एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर भाई ही बहुत बड़े बातूनी है सुपरलेटिव फॉर्म है? है ये यंगेस्ट तो वो ये बार बार कहता है कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूं इसके बाद है बेटा गिव हिम थ्री पीसेस ऑफ गोल्ड द सुल्तान क्राइड जब वो जो बार बार बातूनी बार बार ये सब बातें कर रहा था सुल्तान को तो सुल्तान गुस्से से चिल्लाया द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस सुल्तान ने अपना धैर्य खोते हुए चिल्लाया और बोला गिव हिम थ्री पीसेस ऑफ गोल्ड उसको सोने के तीन सिक्के दे दो एंड सेंड हिम अवे और उसको यहाँ से वापस भेज दो आई विल नॉट बी शेव टुडे मैं आज शेव नहीं करवाऊँगा माई मास्टर क्राइड द बार बार अब तभी बार बार बोला कि नहीं मेरे मालिक इट वॉज़ नॉट ऐसा नहीं होगा आए हु केम टू सीक यू मैंने आपको नहीं देखा इट वॉज़ यू हु ऑर्डर मी टू कम कम मैं अपने आप नहीं आया आप ही हैं जिसने मुझे बुलाया था सो आई विल नॉट क्विट यूर हाउस टिल आई हैव शेवड यू तो जब तक मैं आपका सर शेव ना कर दूँ तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं ही देन बिगेन नैरटिंग अनदर स्टोरी इसके बाद बेटा उस बारबर ने सुल्तान को दूसरी स्टोरी बता बतानी शुरू कर दी विच लास्टेड हाफ एन आवर जो कि आधे घंटे बाद ख़त्म हुई स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच एंड लेट मी गो क्विकली आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस आई हैव टू गो आउट एट नून द सुल्तान बेटा सुल्तान ने इसके बाद कहा जब उसने उसकी दूसरी स्टोरी बताई जो कि आधे घंटे बाद ख़त्म हुई तो सुल्तान ने कहा कि अपनी ये बातें अपनी स्पीच बंद करो जल्दी मुझे यहाँ से जाना है मुझे आफ्टरनून में बहुत आ, मुझे आफ्टरनून तक पहुँचना था और अब बेटा यहाँ पर है आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस तो यहाँ पर अफेयर वर्ड जो है ना वो किसी इम्पॉर्टेंट काम को कहा जा रहा है कि मेरा बहुत जरूरी काम था बहुत जरूरी मीटिंग थी मुझे वहाँ जाना है ठीक है तो मुझे आफ्टरनून तक वहाँ पहुँचना था इसके बाद वेन ही सॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विद एम तब उस बारबर ने देखा कि सुल्तान तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं बारबर साइड उस बारबर ने कहा ओ मास्टर ओ मेरे मालिक डू नॉट बी एंग्री नाराज़ मत हो आई विल बिगिन टू शेव यू चलो अच्छा मैं आपका सर शेव करना स्टार्ट करता हूँ से दिस यह कह ही वॉश्ड द सुल्तान हेड एंड बिगिन टू शेव इसके बाद उसने सुल्तान का सर Uh, पहले भिगोया और इसके बाद शेव करना स्टार्ट किया बट ही हैड नॉट टचड हिम इवन फोर टाइम्स विद रेजर इसके बाद भी उसने अपना रेज़र चार बार भी टच नहीं किया होगा वेन इज वेन ही स्टॉप एंड सेड माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैनर अब वो बोला वेन ही स्टॉप्ड तभी उसने रुक रुका थोड़ा सा और कहा कि मेरे मालिक यू आर एक्टिंग हैस्टली बेटा हैस्टलिंग होता है हैस्टली मीन्स होता है गुस्सा करना तो बोला मेरे मालिक आप जो है इस मामले में बहुत गु़स्सा कर रहे हैं मुझ पर गो ऑन शेविंग मी स्पीक नो मोर ऑर्डर द सुल्तान तो जैसे ही उसने कहा कि आप मुझ पर बहुत गु़स्सा कर रहे हैं वैसे ही सुल्तान ने फिर से आदेश दिया कि आ, बोलना बंद करो और मेरा शेविंग स्टार्ट करो बी पेशेंट सेट द बारबर बारबर ने कहा कि धैर्य रखिए पर हैप्स यू हैव नॉट well what a, what यू वर गोइंग टू डू अब वो barber बोला कि शायद आपको पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे थे आई विश I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on that on it. फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सलेम्ड जब वो दोबारा से उसको वही सब कहने लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए कितना इम्पोर्टेंस था तो सुल्तान ने फिर से कहा कि फिनिश शेविंग ऐट वंस अभी तुरंत शेविंग फिनिश करो बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस इंस्टीड मीन्स होता है बेटा के बजाय लेकिन उस बारबर ने शेविंग करने के बजाय द बारबर लेफ द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी वॉट टाइम इट वॉज़ तो बेटा उस बार बार ने सुल्तान का सिर्फ हाफ सर आधा सर ही शेव कर करके और छोड़ दिया और वो टाइम देखने चला गया कि क्या टाइम हो रहा है माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड सुल्तान क्राइड अब बेटा सुल्तान चिल्लाया कि मेरा धैर्य मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ मतलब मैं बहुत थक गया हूँ बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट इसके बाद वो बार बार कहता है बी काम काम शांत मेरे मालिक शांत हो जाओ आपका शेव मैं तुरंत बहुत ही जल्दी कर दूंगा सेट द बार बार एंड सेइंग दिस बार बार ने ये कह कर, और, और शुरू हो गया ही कंटिन्यू शेविंग द सुल्तान इसके बाद उसने अपनी शेविंग स्टार्ट कर दी सुल्तान का सर शेव करना स्टार्ट कर दिया बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस लेकिन जब वह शिव कर रहा था ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग लेकिन वे बात करना बंद नहीं कर पाया क्योंकि वह बहुत टॉकेटिव था बहुत बात उनी था और बेटा आप लोगों को तो पता ही है जो बात करने वाले होते हैं उनका मुँह तो बंद हो नहीं सकता है चाहे तो मैम डांटें या कोई कुछ भी कहे लेकिन उन्हें बोलना है तो बोलना है बस यही हाल यहाँ पर बार बार का था इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ वो सुल वो बार बार फिर से सुल्तान से कह रहा है कि अगर आप मुझे बता देते कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम था आई वुड गिव मोर एडवाइस मैं आपको और सलाह दे सकता था विच यू माइड फाइंड यूजफुल ही सेड बोला कि शायद मेरी सलाह आपके लिए यूजफुल होती द सुल्तान वॉज़ कम्प्लीटली फेड अपान पूरी तरह से थक चुका था बाई नाउ एंड डिसड टू सेटिस्फाई द बारबर अब उसने कहा कि ठीक उसने बारबर को संतुष्ट करने के लिए सेटिस्फाइड करने के लिए कहा ही होल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज़ वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव अब उसने कहा कि उसे जो है वो उसको दोपहर का खाना हाँ वो बार बार बोला कि मुझे अपने मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना है क्योंकि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को अपने घर पर दावत में बुला लिया और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे उन्हें कुछ खाने के लिए बनाना है वेन द बारर हर्ड द सुल्तान मैंशन आ फीस ही इज लेम्ड दैट रिमाइंड्स मी अब सुल्त वो यस्टर्डे तभी जब सुल्तान ने यह सब कहा तो बार बार बोला कि दैट रिमाइंड्स मी आपने मुझे याद दिला दिया यस्टर्डे आई इन्वाइटेड फोर और फाइव फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे वो बार बार बोला कि मैंने कल अपने चार पाँच दोस्तों को अपने घर बुला लिया था फीसट के लिए बट आई हैड क्वाइट फॉर गेटिन इट लेकिन मैं भूल गया था एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिप्रेशन्स फॉर देम और मैंने उनके आने के लिए कोई भी तैयारियाँ भी नहीं की हैं द स सुल्तान हो वॉज़ एट द मर्सी ऑफ बारबर अब जो सुल्तान था उसको बारबर पर बहुत दया आ गई वॉज़ रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रेड ऑफ हेम अब सुल्तान जो है उस बारबर को वहाँ से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे बी क्विक कैन फिनिश योर वर्क तभी सुल्तान ने कहा कि अपना काम जल्दी से ख़त्म करो एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टूडे सुल्तान ने कहा कि जो भी खाना हमारे लिए बना है वो सारा खाना तुम ले जा सकते हो लेकिन जल्दी ही मेरा सर सेव कर दो प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई फ्रेंड्स फॉर माई फाइव फ्रेंड्स अब बेटा वो बार बार बोला कि अच्छा अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मुझे वो खाना दिखाओ जिससे कि मैं जज कर पाऊँ कि क्या वो खाना मेरे पाँच दोस्तों के लिए पर्याप्त रहेगा आई हैव इन अफ फूड फॉर यू द सुल्तान एक्सलेम्ड सुल्तान ने कहा कि तुम परेशान मत हो हमारे पास पर्याप्त खाना है बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिस्स फीस टू बी ब्रॉट इन लेकिन फिर भी सुल्तान ने ऑर्डर किया कि भाई वो जो खाना बना था वो सारा इस बार बार को दिखा दो द बार लुकड ओवर द फूड एंड सैड उस बारबर ने खाने की तरफ देखा और कहा दिस इज वेरी गुड ये तो बहुत अच्छा है बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो उसने कहा कि मैं कुछ फ्रूट्स और चाहता हूँ डेजर्ट में द सुल्तान इन डिस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेवड अब सुल्तान जो है उसका सिर आधा शेव था तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया ही ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन सुल्तान ने आदेश दिया कि ठीक है फ्रूट्स भी लेकर आओ इसके लिए दार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान से एग्जाम अब बार्बर ने जो बेटा है बारबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एक्जामाइन अब सुल्तान सुल्तान ने वह सारी चीज़ें एग्जामाइन करने के लिए सुल्तान का बारबर ने उसको आधा सर शेव किया हुआ ही छोड़ दिया सो so, स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई इसको सुनिए इनके वर्ड मीनिंग्स और कर लेते हैं सो दैट यू कैन लर्न इट चैटरर चैटरर मीन्स होता है सम वन हु टॉक्स अ लॉट हिंदी में भी इनके मीनिंग समझ लेते हैं सो दैट यू कैन लर्न इट चैटरर मीन्स बातूनी सम वन हु टॉक्स अ लॉट कोई ऐसा जो बहुत बातें करता है नंबर टू डिफेक्ट डिफेक्ट मीन्स अ फॉल्ट या फिर कमी नंबर थ्री ओपिनियन व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंग और सब्जेक्ट ओपिनियन मीन्स राय हमारी किसी के किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के प्रति क्या राय है क्या सोच रखते हैं हम नंबर थ्री इज एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड एंड फेड अप या फिर थक जाना नंबर नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्ट डेजर्ट मीन्स अ स्वीट डिश सर्वड आफ्टर द मेन मील मुख्य भोजन के बाद परोसे जाना परोसे जाने वाला मीठा भोजन स्वीट डिश कुछ मीठा उसको हम डेजर्ट बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज एग्जामाइन टू लुक एट समथिंग वेयर केयरफुली किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से केयरफुली देखना एग्जामाइन कहलाता है लास्ट वर्ड है एट लेंथ एट अ स्ट्रेच सो स्टूडेंट्स आप इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोट कीजिए और इनको लर्न कीजिए थैंक यू एंड हैव नाइस डे